खुश होते हैं। तो पहले निमंत्रण पे मैंने इनकी आमर ली थी, घर गए थे उड्डा साहब, और यहाँ आके और भी बहुत अच्छा मन लगा। बच्चों के भी जो मैं देख रहा हूँ, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भी मोरल इतना अप है, मतलब बढ़िया है, सारे खुश हैं, सबके चेहरे पर स्माइलिंग है, खुशी है। कल्चर एक्टिविटी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बच्चों की फोटो लगी हुई है वहाँ पर, जो बच्चे अवल आए हैं, बहुत सारे बच्चे, काफ़ी बच्चों इतनी फोटो लग रही है कि जो बच्चों मेरिट मेरा अवल में है, तो बहुत बड़ी बात है जी। देखो इतना मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सबसे पहले तो यहाँ पे जो सारे टीचर हैं सर हैं, मतलब इतने अच्छे लगे हैं, बिल्कुल मज़ा आ गया यहाँ का प्रोग्राम देख के, बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी बात तो भाई बंदना जी की स्माइल है, पहले इंटरव्यू में गई थी और भी गई है, जब कोर्स से प्रोग्राम हो स्माइल का अगला इंटरव्यू। नहीं आज कुछ ज्यादा ही निकल रहा है, यहाँ के टीचर हैं नहीं और मैं इतनी अच्छी है सारी। बहुत बढ़िया करे आपने। हाँ जी बस देख यहाँ का मतलब सभी को देख के अच्छा ही हुआ। वातावरण देखा अपना आपका काबू घुने, मैंने लगा मैं भी डांस कर लूं। मैं सर को बोल रही थी मेरे को भी करना है, मतलब सब ने भी जो मेरे छोटे भाई बहन है सब ने बहुत अच्छा डांस। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। फिलहाल खड़े हैं बट सीकरी खुर्द, और बट सीकरी खुर्द के SD मॉडल स्कूल में खड़े हैं, जहाँ पे गीता उड़ा मैडम जी की पुण्यतिथि पर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर पहुँचे हैं, मेरे साथ टीचर भी खड़े हैं और फौजी सर भी खड़े हैं, करमवीर फौजी और वंदना जी भी खड़ी है। तो सबसे पहले सबका राम राम। राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम। स्टार मीडिया देखने वाले सारे राम राम जी, राम राम जी, राम राम, राम राम जी, प्रणाम। तो सर यहाँ पे मैडम के पुण्यतिथि के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पे बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे पहुंचे, फौजी सर पहुंचे, राम के जीनपुरिया जी पहुंचे थे, तो क्या कहना चाहोगे, कितनी बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है या दूसरा प्रोग्राम है? ये मैडम की पुण्य द्वितीय पुण्यतिथि है सर, द्वितीय। हाँ, आज मंदिर की स्थापना की उसके, और हर साल उसकी पुण्यतिथि पर ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, और हर साल उसके परिवार को, माने उसके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे उसकी स्कूल संस्थाएं, उसका परिवार, उसका कारोबार में फल फूले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर नवमी को, जब भी कनागतों की नवमी आएगी, हम उसके ऐसे ही भव्य प्रोग्राम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सर राम राम। राम राम जी, तो आप बताओ कैसा लगे आपका यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के जो बड़ा कहीं व्यवस्था कर रखी, तो प्रोग्राम की व्यवस्था किसी लगी? बहुत बढ़िया। देखो सबसे बड़ी बात तो इंसानियत है, मतलब इन उड्डा साहब का इंसानियत, उड्डा साहब का दिल देखो, अपने लिए दुनिया करे है लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करे। लेकिन एक जो श्रीमती गीता उड्डा जी की दूसरी पुण्यतिथि है, मतलब एक जाने के बाद लोग अपने अपने काम में मस्त हो जाते हैं, लेकिन मैडम की याद में दूसरी पुण्यतिथि में प्रोग्राम इतना बढ़िया, एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है बच्चों के अंदर, समाज के अंदर, और हमारे को यहाँ करके बड़ा अच्छा लगता है, जो ऐसा समाज को जोड़ने का कोई प्रोग्राम हो ना, तो ऐसे प्रोग्राम में जाके हम बहुत खुश होते हैं। तो पहले निमंत्रण पे मैंने इनकी आमर ली थी, घर गए थे उड्डा साहब, और यहाँ आके और भी बहुत अच्छा मन लगा। बच्चों के भी जो मैं देख रहा हूँ, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भी मोरल इतना अप है, मतलब बढ़िया है, सारे खुश हैं, सबके चेहरे पर स्माइलिंग है, खुशी है। कल्चर एक्टिविटी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बच्चों की फोटो लगी हुई है वहाँ पर, जो बच्चे अवल आए हैं, बहुत सारे बच्चे, काफ़ी बच्चे इतनी फोटो लग रही है कि जो बच्चों मेरिट मेरा अवल में है, तो बहुत बड़ी बात है जी। देखो इतना मैनेज करना जी, यहाँ की जो फैसिलिटी देखो, वो तो आप कुछ कह नहीं सकते, बहुत बढ़िया थी। देखो उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो और स्कूलों में भी देखा प्रोग्राम आजकल घटते जाने लग रहे हैं, जो पहला 26 जनवरी 15 अगस्त है, और भी प्रोग्राम हो करते देखने को मिलते, लेकिन यू जो पुण्यतिथि प्रोग्राम कराया गया है, बच्चा ने बढ़ चढ़ का भाग लिया है, अपनी जो अंदर ही कला है, योगा लगा लो, डांस लगा लो, चुटकुले लगा लो, नाटक लगा लो, तो आगे बढ़ बढ़ का भाग लेने लगा। होते रहने चाहिए भाई ये प्रोग्राम, ऐसे तो जरूरी है, जितनी भी संस्थाएँ हैं, शिक्षण संस्थाएँ हैं, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे प्रोग्राम, कल्चर एक्टिविटी के प्रोग्राम। तो जी राम राम। सर नमस्कार। तो सर क्या कहना सर, ये जो प्रोग्राम है गीता उड़ा जी की द्वितीय पुण्यतिथि जो मनाया गया है, ये मास्टर जी इस चीज़ के धन्यवाद के पात्र हैं। उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर गैदरिंग आई है, इतने बड़े बड़े कलाकार फौजी करमवीर जी हैं और रामकेश जी हैं, इन्हें जो प्रस्तुति दी है वो हमारे भाग हैं कि हम ऐसे प्रोग्राम में पहुँचे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया था सर, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और सबसे पहले तो यहाँ पे जो सारे टीचर हैं सर हैं, मतलब इतने अच्छे लगे हैं, बिल्कुल मज़ा आ गया यहाँ का प्रोग्राम देख के, बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी बात तो भाई बंदना जी की स्माइल है, पहले इंटरव्यू में गई थी और भी गई है, जब कोर्स से प्रोग्राम हो स्माइल का अगला इंटरव्यू। नहीं आज कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है, यहाँ के टीचर हैं नहीं और मैं इतनी अच्छी है सारी। अच्छा, बहुत बढ़िया करे आपने। हाँ जी बस देख यहाँ का मतलब सभी को देख के अच्छा ही हुआ। वातावरण देखा अपना आपका काबू घुने, मैंने लगा मैं भी डांस कर लूं। मैं सर को बोल रही थी मेरे को भी करना है, मतलब सब ने जितने भी जो मेरे छोटे भाई बहन है सब ने बहुत अच्छा डांस किया, हरियाणवी कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया, और फिर मेरे
मेरे को भी मन कर गया करने का। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं मंजीत भारद्वाज को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस स्टार मीडिया के माध्यम से इस प्रोग्राम को यहाँ पर आए गए मेहमानों लोकगीत गायकों को जो है दिखाने का प्रयास किया। उसके बाद मैं हुड्डा सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पहल की कि पुण्यतिथि पर ऐसा प्रोग्राम किया जो स्टूडेंटों ने, मेहमानों ने, लोक गायकों ने और जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है उन्होंने यहाँ आने का मौका मिला, अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। किसी ने गाया, किसी ने डांस किया, किसी ने सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से भाषण प्रस्तुत किया। उसके माध्यम से भी बहुत सा संदेश जाता है कि हमें ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जिसके माध्यम से लोगों को संदेश मिले। बहुत से मान ली किसी को आना है उसको भी इनवाइट किया जा सके। बाकी जो प्रोग्राम होते हैं जैसे 15 अगस्त होता है वो सरकार के माध्यम से जब करते हैं उनकी एक मजबूरी भी बन जाती है, लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये सिर्फ ऐसा पहल की गई थी कि स्कूल के माध्यम से भी ऐसे दिन को या पुण्यतिथि को या उसके दिवंग आत्मा को शांति भी दी जा सकती है। देखो आप बहुत बढ़िया सर ने बात बताई है, यहाँ की कल्चर एक्टिविटी डांसिंग सिंगिंग हर एक तरह की कल्चर एक्टिविटी यहाँ पर होती रहे, हर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो सर यहाँ पर देखा गया है कि जो पीछे पोस्टर भी लग रहे हैं बड़ा 500 में तो 500 नंबर भी आ रहे हैं। हाँ सर, हमारी पिछली वेरियंट 28 बच्चों के 500 में से 500 अंक थे। तो देखो अच्छी पढ़ाई लिखाई का नतीजा। हाँ, हमारे स्कूल की दो छात्राएं अंडर 100 में थी सर। अच्छा, अंडर हरियाणा की एजुकेशन में अंडर 100 में दो छात्र। हमारे पास पूरा स्टाफ सर। कितने टीचर है, कितने मैडम? हमारे पास 50 के लगभग स्टाफ टीचर है सर। अच्छा, 50 के लगभग। हाँ, छात्री भी देख रहे हैं, उनके माँ बाप भी देख रहे हैं, संदेश क्या देना चाहूँगा? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो हमारी संस्था में दाखिला कराएं और अपने बच्चे को भविष्य को उज्ज्वल बनाएं और हम तन मन धन से उनके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को निखारने का काम करेंगे सर। मेरा एड्रेस है, हमारे स्कूल का एड्रेस है SD मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बट सिगरी खुर्द कैथल हरियाणा। इसी स्कूल में हमारी मेरी जो बिटिया है प्रियंका हुड्डा वो 1 सितंबर 2022 को हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट के पद पर उसका चयन हुआ और वो अब 4 महीने के बाद इंग्लैंड के BP यूनिवर्सिटी लंदन में उसका जज के कोर्स में एडमिशन हुआ है। इससे बढ़कर मुझे क्या खुशी है कि मेरी बेटी ने इसी स्कूल में पढ़ करके अपने भविष्य का निर्माण किया। मैं कामना करता हूँ सभी मेरी बेटी की तरह पढ़ें और वो भी लंदन में जा करके शिक्षा प्राप्त करें। तो खुद से आप लास्ट में किस चाहिए, लास्ट में क्या कहना चाहूँगा? लास्ट में ये कहना चाहूँगा भाई, जो मास्टर जी ने बताया है क्लासर रोड पे स्कूल है, आज जो 500 में तो 500 भी जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं फिर तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो भी यहाँ गुवांड के नज़दीक के हैं तो मेरे हिसाब से तो आप अपने बच्चों को यहाँ दाखिला करवाएं। और लास्ट में तो कुआवा के सब्सक्राइब कर दे, चैनल ने शेयर कर दे, बिरयानी के कर दिया जो करना है। देखो तो के करा, वीडियो ने शेयर कर दो, बना सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे, अच्छा लगा वैसे डिसलाइक कर दो लेकिन शेयर जरूर कर दो क्योंकि इन चीज़ों ने शेयरिंग की जरूरत हो, एक जरूरतमंद के बाद ही पहुँच जाए। और जितनी नई स्कूल का पता चल रहा है कौन सा स्कूल में एडमिशन करावा उस तक पहुंचेगी, भाई कौन सा स्कूल था रखा था बढ़िया रहेगा, किसका स्कूल में जाया पाचा है आपका अच्छा फ्यूचर बन सका है। तो भाई कौन सी वीडियो पार्ट अपना अच्छा लग गया कमेंट जरूर कर दियो, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।